देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो लकड़ी की जैसी डिजाइन बना रखी है। दोस्तों मैं हूँ कासिम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत जगह, जो आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस चलते हैं उस जगह पे और दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। आपने देखा कि हमने गाड़ी कितनी स्पीड में लेकर आए। वैसे हम इतनी गाड़ी स्पीड में चलाते नहीं हैं, लगभग 50 की स्पीड भी चलाते हैं, पर फिर भी हम बहुत तेज़ लेके आए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो अभी दोस्तों चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। चलिए अभी देखते हैं, अभी हम इस मुँह के अंदर घुस गए हैं। और भाई यहाँ पे तो कुछ चमक भी नहीं रहा है, अब चमका। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ का। अभी और आगे चलते हैं, दिखाते हैं। तो ये दोस्तों ये गार्डन है हमारे कोटपुतली का। तो अभी हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अभी देख सकते हो गाइस ये कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा आ रहा है। गाइस ये मूर्ति देख सकते हो, ये तो मैंने भी नहीं पूछा ये किसकी है किसकी नहीं, पर किसी की भी है लेकिन ठीक है, अच्छी है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुर्सी वगैरह पड़ी है। मजे किस बात को, और संडे वाले दिन यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, यहाँ पे लोग बाहर घूमने के लिए आते हैं। ये हमारे कोटपुतली शहर का एक छोटा सा गार्डन है, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। ये देखो हमारा छोटा भाई अभी सेल्फी लेता हुआ। बढ़िया आ रही है पप्पू भाई, बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। हाँ सही आ रही है, ले लो एक दो सेल्फी। ले रहे हैं सेल्फी इसकी, आप ले लो और क्या। तो आप देख सकते हो आपको ये गार्डन कितना अच्छा लगा कितना नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं और भी अच्छे अच्छे आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँगा ऐसे। अभी देख सकते हो कुछ लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, अंदर जा रहे हैं दोस्तों। तो आपका भी मन करे तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ जाना, ओके दोस्तों। और मैं अभी आपको सामने का सीन और दिखाता हूँ बैक कैमरे से। गाइस आपको दिखाना एक चीज़ भूल गया, देखो ये हमारे इंडिया का झंडा, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप देख सकते हो ये एक मूर्ति और भी है यहाँ पे, ये कोई बुजुर्ग हैं उनकी याद में यहाँ पे बना दी गई है, आप देख सकते हो। बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आपको, देखो आप। अभी हम जाएंगे इसके अंदर, अभी देखते हैं इसके अंदर जाते हैं कितना अच्छा फील होता है कितना नहीं, आपका भी बताते हैं बैक कैमरे से। ओए होए कितना अच्छा यार, इसके अंदर सर्दी नहीं लग रही बिल्कुल भी, बड़े बाहर का यार है ना। वाह भाई वाह। गाइस ये दिखाऊं मैं आपको, ये हैं लाइट, रात को जलती हैं, फिलहाल तो अभी बंद है ये, देख सकते हो। और यहाँ पे कितने झूले वगैरह, और देख सकते हो कितना अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ पे वर्दिश भी कर रहे हैं कुछ लोग, बुजुर्ग आदमी आके, देखो वो अभी सामने कर रहे हैं। अभी देख सकते हो मेरा छोटा भाई अभी गया ऊपर से रपक के आएगा, देखना गाइस। आजा पप्पू आजा, आराम से आइयो, देखो लग ना जाए, आजा आराम से आजा आजा। ओ तेरी, अब देख सकते हो गाइस मेरा भाई अब झूलने के लिए जा रहा है। मैं झूलूंगा कि चोट ना जाए, सावन के झूलों ने हमें बुलाया।
देखिए किस तरीके से। देखो दोस्तों, ये बाहर निकलने का रास्ता है, जिस रास्ते से हम आए थे ये वही रास्ता है। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आपने बाहर का नज़ारा तो देख लिया, एक बार मैं और दिखा दूंगा आपको। एक बार आपको कैमरा घुमा के और दिखा देता हूँ इस लोकेशन के बारे में, आप देख सकते हो। ये दोस्तों ये देखो, यहाँ पे गाइस ये एक कुआँ है, और कुएं के पास मैं आपको लेके चलता हूँ, देखते हैं इस कुएं के अंदर क्या है। अरे पप्पू भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। खाली है, हमने सोचा शायद भरा हुआ होगा पानी से, पर इसके अंदर तो कचरा वगैरह पड़ा है। लेकिन हाँ, कोई मोटर डाल रखी है वैसे पानी निकालने के लिए, मुझे लगता है यहाँ पे शायद ये पाइप वगैरह पड़े हैं, यहीं से जा रहा है पानी। दोस्तों ये देख सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लकड़ी के पील पाई लगा रखे हैं, पर ये लकड़ी के नहीं है। ये देखो लकड़ी की जैसी डिजाइन बना रखी है, लेकिन ये पत्थर के हैं सब टोटल, और पूरे में लगा रखे हैं, ये देख सकते हो आप। तो गाइस अभी हम निकलते हैं बाहर, चलते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना गाइस। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, ओके गाइस।